तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त होंगे। गाइज, अभी आप हमारे सामने यहाँ पे देख सकते हैं ना कि हीरो की पैशन प्लस है। अब ये हीरो की पैशन प्लस में लोगों का क्या कंफ्यूजन है ना कि ये 100 सीसी का गाड़ी है तो माइलेज इसका क्या 70+ देगा या नहीं, ये चीज़ है। और पहले से बहुत भाई लोग कमेंट करते हैं कि भाई पुराना वाला जो पैशन है उसको और ये गाड़ी को डिफरेंस करिए। तो फिलहाल वो गाड़ी शोरूम में खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी डिफरेंस बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस 2023 की जो E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 इंजन के साथ है उसमें कंपनी ने करा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ आपको ना कि पहले का जो आपको पैशन प्लस मिलता था ना, एग्जैक्ट आपको वही चीज मिलता है। क्योंकि ग्राफिक्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके ऑयल टैंक से लेकर सीट काउल ग्रैब हैंडल तक अगर आप ग्राफिक्स देखेंगे इसका, तो एज इट इज आपको ओल्ड मॉडल के जैसा ही मिलेगा। लेकिन डिजाइन तो ओल्ड मॉडल के जैसा है, ग्राफिक्स सारा चीज ओल्ड मॉडल के जैसा है। फ्रंट में अगर बात करें वाइजर सेक्शन में तो यहाँ भी ओल्ड मॉडल के जैसा है, लेकिन इसका जो इंजन है वो आपको BS6 की फेज 2 वाली इंजन है, जो कि अपडेटेड, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के नॉर्म्स पे, जो NVH लेवल पे अकॉर्डिंग में नॉइज को कम करने के लिए, वाइब्रेशन को कम करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए इको फ्रेंडली बायोफ्यूल वाला जो इंजन कंपनी ने लॉन्च किया है, या फिर गवर्नमेंट के जो रूल के अकॉर्डिंग कंपनी ने जो लॉन्च किया है BS6 का फेज 2 इंजन, एज इट इज वही मिल जाता है। तो भाई बॉडी होने से क्या होगा, इंजन तो आपका एज इट इज है ना। और आपको पता है BS6 की फेज 2 में एक प्रॉब्लम भी आ रही है, जो कि मैं अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना एकदम नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल पर प्रतिदिन गाड़ी से रिलेटेड कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। और आज आपको मैं इस गाड़ी को खरीदने के लिए क्या लोन का डिटेल है, क्या फिनांस का डिटेल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाएगा, कौन कौन से आदमी ले सकते हैं, कितना सिविल होना चाहिए, सभी कुछ आपको मैं कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं। तो बात करते हैं सबसे पहले गाड़ी का की से। तो की देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको की मिलेगा, कहीं से कोई वेब की नहीं मिलता है। भाई वेब की मिलेगा भी कैसे, 100 सीसी का गाड़ी है, अब वेब की कहाँ से मिलेगा। इसकी ऑन रोड प्राइस की मैं बताऊँ तो झारखंड में हमारे यहाँ डाल्टनगंज आनंद ऑटो बाइक्स में 91,700 के आसपास इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस है। तो 91,700 में और क्या ही चाहिए आपको, वेब की कहाँ से मिलेगा। बात करते हैं सबसे पहले इसके वाइजर सेक्शन से। तो वाइजर सेक्शन पे आप देखेंगे ना, बहुत भाई लोग ये भी कहते थे कि LED सही नहीं है, वो आप पुराना वाला दीजिए, ओल्ड इज गोल्ड, एक कहना है ना, ओल्ड इज गोल्ड। तो लो, कंपनी ने ओल्ड इज गोल्ड दे दिया आपको। हेडलाइट जो है वो आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन का हेडलाइट कंपनी ऑफर करती है। बाकी टर्न इंडिकेटर की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे नॉन फ्लेक्सिबल है। हाँ, नॉन फ्लेक्सिबल आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिलता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये चीज़। तो ये चीज़ थोड़ा सा डिमेरिट है कि कहीं भी लगेगा तो ये टूटने का थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। इसके साथ साथ फ्रंट की सस्पेंशन की मैं बात कर लूँ तो टेलीस्कोपिक टाइप का फ्रंट का सस्पेंशन मिलता है, दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा। बाकी फ्रंट का जो फेंडर आप देखेंगे वो डुअल कलर टोन में मिलता है। डुअल कलर टोन बोले तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्लॉसी का फिनिशिंग मिलता है और नीचे में आपको मैट का फिनिशिंग मिलता है। इसके साथ साथ कंपनी यहाँ पे C8 का टायर यूज़ करती है। फ्रंट में अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी C8 का यूज़ करती है। 80x100 सेक्शन के आपको इसके ट्यूबलेस टायर मिलेंगे, जिसकी एलॉय की मैं बात करूँ तो 18 इंच के आपको एलॉय मिलते हैं। बाकी 240 mm की फ्रंट की डिस्क ब्रेक मिलती है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ये गाड़ी वर्क करती है, यानी अगर आप पीछे का ब्रेक लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपका आगे का भी ब्रेक थोड़ा थोड़ा लगेगा। अब उससे क्या होगा कि गाड़ी का जो स्कीड होता है ना, जैसे गाड़ी स्कीड करता है, उसका संभावना कम हो जाएगा, यानी एक्सीडेंट का संभावना कम हो जाएगा। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बहुत भाई लोग क्या कहते हैं, सपोज 80x100 सेक्शन का यहाँ पे टायर है और यहाँ पे 100x80 सेक्शन का है, तो यहाँ पे इसका 80 mm चौड़ाई है और यहाँ पे इसका 100 mm चौड़ाई है, तो आगे वाला के कंपैरिजन से पीछे वाला टायर का जो चौड़ाई है ना, वो कहीं ना कहीं 10-20 mm ज़्यादा होता है। तो वो क्यों होता है, इसका भी मैं रीज़न आपको बताने वाला हूँ। बात करते हैं फ्यूल टैंक के पास, तो आप यहाँ पे देखेंगे E20 का लोगो मिल जाता है। अब बहुत भाई लोगों को ये भी नहीं पता है कि E20 होता क्या है, तो आप E20 यानी अगर आप 1 लीटर तेल यूज़ करते हैं तो आप 800 ml पेट्रोल को फिल करा सकते हैं और 200 ml आप इथेनॉल को फिल करा सकते हैं। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करूँ तो भाई एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्लैश कर रहा है सारा चीज़। आपको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के बारे में बताएंगे, लेकिन क्या क्या चेंजेस हुए इसके मीटर कंसोल में वो मैं आपको यहाँ से बताऊँ ना। तो यहाँ देखिए, जैसे ऑन करते हैं तो न्यूट्रल का ब्रांडिंग, टैकोमीटर आपको एनालॉग में मिलेगा, इंजन मालवेयर फंक्शन मिल जाता है, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, ये सभी के सभी कुछ आपको डिजिटल मिलते हैं और यहाँ पे एनालॉग मिलता है। यानी कंपनी सेमी का यूज़ किया है, क्योंकि बहुत भाई लोगों को सेमी ही पसंद आती थी, तो लो सेमी भी मिल गया, आधा डिजिटल आधा एनालॉग। इसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, जो कि काफ़ी शानदार आपको USB चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, आप गाड़ी को चलाते चलाते फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसका इंजन के बारे में, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ ना, 97 cc का आपको यहाँ पे इंजन देखने को मिलेगा, जो कि एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर के साथ आपको इसका इंजन देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ पावर की मैं बात कर लूँ तो 7.91 BHP का इसका पावर मिलता है, और वहीं टॉर्क के बारे में बात करें तो 8.05 Nm का इसका मैक्सिमम टॉर्क भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ 2023 में जो कंपनी ने अपडेट किया ना, इसका ग्राउंड क्लियरेंस में है। ग्राउंड क्लियरेंस पहले जो आता था ना पैशन का, वो आपको 165 mm
mm ही आता था, लेकिन अभी जो ग्राउंड क्लियरेंस आ रहा है वो 168 mm का रहा है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा 3 mm ज़्यादा कर दिया कंपनी ने। इसके साथ साथ रियर की सस्पेंशन की बात कर ले तो 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप का आपको रियर का सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जो कि आप अपने वेट के अकॉर्डिंग इसके सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हो। बात करते हैं रियर टायर साइज की, तो आप यहाँ पे देखेंगे 80x100 सेक्शन के 18 इंच के ट्यूबलेस टायर कंपनी ने ऑफर किया है। 130 mm ब्रेक डायमीटर के साथ में मिलता है। इसके साथ साथ एग्जॉस्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप के आपको एग्जॉस्ट मिलेंगे। प्लेट की मैं बात करूँ तो क्रोम की फिनिशिंग में आपको यहाँ पे प्लेट मिलता है। बात करते हैं सीट कवर के नीचे में, तो यहाँ पे ग्राफिक्स आपको सेम मिलता है, हीरो का बैजिंग मिलता है, ग्रैब हैंडल आपको नॉर्मल में मिलेगा। इसके साथ साथ पीछे की टेल लाइट की बात कर ले तो आपको फुली एलईडी के सेटअप में इसका टेल लाइट मिलता है। भाई ये चीज़ जानना बहुत जरूरी होता है कि जब आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो ये गाड़ी मैन्युफैक्चर कब का है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2/6/2023 का, यानी 2 तारीख का ये गाड़ी का मैन्युफैक्चर है। तो आप इस गाड़ी को आसानी से खरीद सकते हैं, अभी शोरूम में जाइएगा तो एक फ्रॉड थोड़ा सा क्या होता है ना कि आपको गाड़ी दे देंगे ना, सपोज अभी 2023 चल रहा है वो 2021-22 मॉडल का दे देंगे, तो उसमें क्या होता है कि रखे रखे गाड़ी भी खराब हो जाता है। तो वहाँ पे आपको गाड़ी खरीदने के बाद 1-2 महीने के बाद प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ अभी तक कोई यूट्यूबर नहीं बताता है आपको, क्योंकि अगर वो बताएगा तो शोरूम का गाड़ी सेल नहीं होगा। तो ये चीज़ मैं आपको डायरेक्टली क्लियर एंड कट बोलता हूँ कि आप जब भी गाड़ी खरीदने जाते हैं तो वो चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उस चीज़ से आपको फायदा होने वाला है। इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो होता क्या है कि गाड़ी खरीदने के बाद 4-5 दिन चलाने के बाद फिर दोबारा से शोरूम में दौड़ना पड़ता है कि मेरा गाड़ी में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, और वो कुछ नहीं करते हैं। इसके साथ साथ सेफ्टी में बात करते हैं तो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ ये गाड़ी मिलता है और 4 स्पीड गियर है। मेरे को कहीं ना कहीं है ना ये गाड़ी चलाने के बाद लगता है ना कि एक गियर और ज़्यादा देना चाहिए था, क्योंकि एक नंबर गियर में जब आप थ्रॉटल को बढ़ाते हैं तो इसका जो इंजन का जो वाइब्रेशन है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाकी मैं इस गाड़ी का वाइब्रेशन टेस्ट भी किया हूँ, अपने इंस्टाग्राम आईडी पे डाला हूँ, आप अभिषेक तिवारी 8973 पे विजिट करके आप देख सकते हैं इस गाड़ी का वाइब्रेशन टेस्ट कैसा था, सारा कुछ मैं वहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ। बात करते हैं यूटिलिटी बॉक्स के पास, तो यहाँ पे क्रोम का फिनिशिंग है, FI का बैज मिल जाता है, यानी फ्यूल इंजेक्टेड के साथ अब ये गाड़ी मिलती है। BS6 की फेज 2 गाड़ी है, तो क्योंकि अब आपको पता है कि कार्बोरेटर वाला सीन कोई भी गाड़ी में नहीं है। चांस पॉकेट की बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फायर बॉडी के साथ इसकी चांस पॉकेट मिल जाती है। 790 mm के आसपास इसकी सीट हाइट भी देखने को मिल जाती है। और वहीं बात करते हैं गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 168 mm की तो ग्राउंड क्लियरेंस है, लेकिन वेट की बात कर ले ना तो आपको पता है कि इस गाड़ी का जो वेट है 100 cc का गाड़ी है, यानी 97 cc का है। अब बहुत भाई लोग ये भी कहते हैं कि भाई जब तुम 100 cc कह रहे हो तो इसको 97 कैसे कह रहे हो, तो जो cc होता है ना वो एग्जैक्ट नहीं होता है। अगर आप 125 cc का गाड़ी खरीदते हैं तो वो आपको 124 cc मिलेगा, 123 cc मिलेगा या फिर 127 cc मिलेगा, यानी 2-3 cc का डिफरेंस आगे पीछे होते रहता है। तो ये जो गाड़ी है वो 97 cc का गाड़ी है। और कर्व वेट की बात कर ले तो 115 kg का इसका कर्व वेट मिल जाता है। इसके अलावा कंपनी के थ्रू एसेसरीज में क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पे देखेंगे लेडीज साड़ी गार्ड मिलेगा जो कि अभी फिट नहीं हुआ है, आप गाड़ी खरीदने के बाद आप यहाँ पे फिट करा सकते हो। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक लेग गार्ड मिल जाता है जो कि 499 रुपये का रहता है, लेकिन कंपनी इसको फ्री में आपको दे रहा है। इसके साथ साथ वाइजर सेक्शन पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिक्स देखने को मिलता है। बाकी हैंडल बार की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रोम का हैंडल बार मिलता है, वही नॉर्मल एज इट इज वाला सेम टू सेम नॉर्मल हैंडल बार मिलता है। देख सकते हैं मीटर कंसोल डिजिटल में है। माइलेज की बात करें ना, बहुत लोग दीवाने हैं भाई माइलेज क्या देगी, मेरे पास पर्सनली इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं माइलेज क्या देगी। तो माइलेज टेस्ट अभी मैंने करा नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स अगर मैं माइलेज बताऊँ ना तो 65 प्लस जाएगी, क्योंकि आप एक हमारा पहले का वीडियो देखेंगे TVS Raider का, मैंने माइलेज टेस्ट किया था, उसका जो माइलेज है ना भाई साहब कहना ही नहीं है, 70 का माइलेज दे रहा था। तो ये भी गाड़ी सेम टू सेम आपको वही लगता है कि 65 प्लस 65-70 के बीच में माइलेज देगी, लेकिन माइलेज का एक और इशू है कि आपका ड्राइविंग बिहेवियर क्या है। सबसे बड़ा मैटर वही करता है कि आप गाड़ी को किस तरीके से चलाते हैं, आपका रोड कैसा है, आप किस तरह के रोड में गाड़ी को चलाते हैं, गाड़ी पे वेट किस तरह का आप लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी माइलेज डिपेंड करता है। तो ये तो बात हो गई भाई इस गाड़ी के बारे में। बाकी और कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, आप फटाफट कमेंट करिए इस गाड़ी के बारे में। बाकी बात करते हैं ऑन रोड प्राइस की, तो 91,700 के आसपास डाल्टनगंज आनंद ऑटो बाइक्स में इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस है। लोन फाइनेंस के बारे में बात करें तो भाई कुछ नहीं है, आप 12,000-15,000 रुपये देकर भी करा सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक रूल है कि कस्टमर के प्रोफाइल पर डिपेंड करता है, कि सिविल टू सिविल डिपेंड करता है कि कस्टमर का क्या प्रोफाइल है। फ्रेशर को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, जो पहली बार लोन ले रहे हैं उनका थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, उनको थोड़ा सा 20-25,000 रुपये तक डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी सारा कुछ सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 6-7% से ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आप हीरो फिनकॉर्प से फिनांस कराते हो तब। बाकी जानकारी कैसे लगी एक बार कमेंट करके बताइएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।